संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका। संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका। संसार हमारा हो न सका। संसार हमारा हो न सका। घर बार बना कर देख लिया घर बार हमारा हो न सका। घर बार बना कर देख लिया घर बार हमारा हो न सका। संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका। कितनों को बना कर देख लिया कोई यार हमारा हो न सका। कितनों को बना कर देख लिया कोई यार हमारा हो न सका। संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका। दिलदार हमारा हो न सका। दिलदार ने दिल बस छीन लिया दिलदार हमारा हो न सका। संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका।
दुनिया वालों को एतबार हमारा हो न सका, फिर भी इस दुनिया वालों को एतबार हमारा हो न सका। संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका। परिवार हमारा हो न सका, हम तो परिवार के हो भी गए परिवार हमारा हो न सका। संसार हमारा हो न सका, संसार हमारा हो न सका, संसार हमारा हो न सका, परिवार हमारा हो न सका। घर बार बना कर देख लिया घर बार हमारा हो न सका, संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका। संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका, संसार में आकर देख लिया संसार हमारा हो न सका। ये इन ऐसे भजनों के बाद पता चलता है कि जीवन में संसार में कोई अपना नहीं है, केवल भगवान के, भगवान को छोड़कर। भगवान ही एक, भगवान का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन से पहले, जीवन में और मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। इसलिए प्रीत करना है, सच्चा प्रीत करना है तो भगवान से करिए। दुनिया के प्रीत, दुनिया के रिश्ते नाते संबंध कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो घाट तक, घाट पे जाकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भगवान के साथ ही रहना होता है, इसलिए भगवान से ज़्यादा प्रीत करिए। संसार में रहिए, संसार के साथ मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए। और एक विनती मैं भजनों में कर रहा हूँ, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, मेरी प्रार्थना है। आप लोग मुझे अगर मानते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, भजनों को मानते हैं, तो आप सबसे प्रार्थना यह है कि आसपास जगह हो, आपकी ज़मीन हो, तो आप कम से कम पौधे लगाएं, कम से कम दो पौधे लगाएं। क्योंकि अभी वातावरण जो चल रहा है, जो तापमान चल रहा है हमारे इस संसार का, प्रकृति का, तो उस तापमान से आपको ज्ञान हो रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे को लगाने में, बड़ा होने में 7 साल का वक्त लग जाता है, 6-7 साल का वक्त लगता है, इसीलिए समय बड़ा कम है। इस साल 50 डिग्री के आसपास तापमान में आप लोगों ने जिया, कीर्तन किया, भजन किया, अगले साल 60 होने में टाइम ही लगेगा, और 60 जिस दिन हो जाएगा उस दिन राम नाम सत्य होने लगेगा। इसीलिए आप सब जो है पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हम लोग जिए और ताकि इस कलयुग का लाभ ले पाएं, भगवान का भजन कीर्तन कर पाएं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर उपारा। इस कलयुग में आसान साधन है राम का नाम लेकर इस भव सागर से तरने का। इसलिए इस कलयुग का लाभ लीजिए, कलयुग में जिया है और जीकर भगवान का भजन कीर्तन करना है। तो जीवित तब रहेंगे जब हम, वातावरण सही रहेगा, इसलिए पेड़ पौधे लगाएं, मेरा आग्रह है, विनती है। चलिए इसी तरह अगले भजन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय सियाराम।